जैसे पिछले लेक्चर में हमने पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 1 स्टडी किया, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे। इस लेक्चर में हम केस नंबर 2 स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं और सीखते हैं कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो हम उसको किस तरह रिजॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है रिजॉल्व एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस टू होल क्यूब इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब इसमें हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है, ये इसमें एक लीनियर फैक्टर है x प्लस टू, लेकिन उसकी पावर 3 है, यानी कि वो 3 टाइम्स है। तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो उनको सॉल्व करने का जो मेथड है वो नॉन रिपीटेड से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो हम उसी तरीके से सपोज करेंगे इसके पार्शियल फ्रैक्शंस के एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस टू होल क्यूब इज इक्वल टू, जितनी हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर की डिग्री होगी उतने ही हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे। अब यहाँ पे एक्स प्लस टू की जो डिग्री है वो 3 है, तो हमारे पास 3 फ्रैक्शंस बनेंगे, जिसमें एक में हमारे पास एक्स प्लस टू की डिग्री 1 होगी, दूसरे में एक्स प्लस टू की डिग्री 2 होगी और तीसरे में एक्स प्लस टू की जो डिग्री है वो 3 होगी। इन द न्यूमिनेटर्स बिल्कुल उसी तरीके से ए बी और सी। पार्शियल फ्रैक्शंस में जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो यही होता है कि किस तरीके से हमने सपोज करने हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। तो जब हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो जितनी मैक्सिमम डिग्री होगी उतने हमारे पास उसके फ्रैक्शंस बनेंगे, और सबसे पहले वाले फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर की डिग्री 1, दूसरे में 2 और ये तीसरे में 3। बाकी सारे स्टेप्स वही हैं। अब जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, x प्लस टू क्यूब, उससे सबको दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x प्लस टू क्यूब। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस टू क्यूब तो एक्स प्लस टू की एक पावर ख़त्म हो जाएगी और पीछे बच जाएगा ए इंटू एक्स प्लस टू स्क्वेयर, प्लस जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो टू पावर्स ख़त्म हो जाएंगी तो बच जाएगा बी इंटू एक्स प्लस टू, और यहाँ पे ये होल कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा सी। अब अगर हम x प्लस टू को 0 के इक्वल पुट कर दें तो a और b ख़त्म हो जाएंगे और हम c की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। जब भी हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो उनमें हम एक न्यूमरेटर जो होगा उसकी वैल्यू इसी तरीके से फाइंड करेंगे। पुट x प्लस टू इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस टू, ये जो x इज इक्वल टू माइनस टू है ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम माइनस टू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा
माइनस टू स्क्वेयर प्लस माइनस टू माइनस वन इज इक्वल टू, ये ए के साथ जब पुट होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, बी भी जीरो हो जाएगा और सिंपली सी बच जाएगा। सो सी इज इक्वल टू वन। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर वन आएगा। आप खुद सिंपली ये स्क्वेयर लेके इसमें से कर लेंगे, फोर माइनस थ्री डेफिनेटली विल बी वन। तो सी की वैल्यू हमारे पास जो है वो आ गई। उसके बाद पहला स्टेप ये होगा कि इसको स्क्वेयर को हम ओपन कर लेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स सॉरी फोर एक्स प्लस फोर प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी। अब हम कोफिशंट्स को कंपेयर करेंगे जो हमारे पास लाइक टर्म्स के होंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशंट जो है वो वन है, तो इस साइड पे एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशंट है वो ए है। सो वन इज इक्वल टू ए। यहां से हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो भी आ गई। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे एक्स के कोफिशंट को। यहां पे एक्स का कोफिशंट है वन, तो इस साइड पे एक्स के साथ एक तो ये होगा फोर ए प्लस बी, फोर ए प्लस बी इज इक्वल टू वन। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है जो कि है वन, तो वो वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो बी प्लस फोर इज इक्वल टू वन और बी इज इक्वल टू माइनस थ्री। ये जो ए बी और सी की वैल्यूज हैं ये हम यहां पे पुट कर देंगे जहां पे हमने पार्शियल फ्रैक्शंस को सपोज किया था, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस टू क्यूब इज इक्वल टू ए की जगह पे वन ओवर एक्स प्लस टू प्लस बी की जगह पे माइनस थ्री, तो यहाँ पे माइनस ले देते हैं माइनस थ्री ओवर एक्स प्लस टू स्क्वेयर प्लस सी की जगह पे भी वन वन ओवर एक्स प्लस टू क्यूब। तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए हैं। हमने इस लेक्चर में देखा कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो उसको हम किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करेंगे। जब हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो वो जितने टाइम्स रिपीट हो रहा होगा उतने टाइम्स हम उसके जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं उसमें उसको लिखेंगे। यहाँ पर ये थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसको हम तीन अलग अलग फ्रैक्शंस में लिखेंगे। पहले में उसकी डिग्री वन होगी, दूसरे में टू होगी, तीसरे में थ्री होगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे इसकी डिग्री फोर भी होती तो यहाँ पे हम प्लस डी ओवर एक्स प्लस टू रेज टू पावर फोर लिखते। जितने टाइम्स रिपीट हो रहा होगा उतने टाइम्स हम उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में लिखेंगे, जिसमें हम पहले उसकी डिग्री वन लिखेंगे, बाद में टू, बाद में थ्री एंड सिमिलरली सो ऑन। और उसके बाद वही जिस तरीके से हम पहले करते आए हैं कि जो कॉमन फैक्टर होगा उससे दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ सके जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर ना हो। तो यहाँ पे हमने x प्लस टू होल क्यूब से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए के साथ जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन बच गया ए इंटू एक्स प्लस टू स्क्वेयर, यहाँ पे बच गया बी इंटू एक्स प्लस टू और यहाँ पे सी। उसके बाद एक वैल्यू तो हमें जब भी हमारे पास ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो एक वैल्यू हमें मिल जाएगी। जब हम जो चीज़ें दूसरे जो होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई हो रही होंगी उनको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ पे एक्स प्लस टू को जब हमने
जीरो के इक्वल पुट किया तो वहां से x की वैल्यू आ गई माइनस टू। वो x की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट की तो वहां से हमारे पास ये c की वैल्यू आ गई। उसके बाद जब दो पॉलीनोमियल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उनमें जो टर्म्स होती हैं उनके कोफिशेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। अब ये जो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन जो है ये इक्वल है a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस फोर प्लस b इंटू एक्स प्लस टू प्लस c। तो इसका मतलब है कि जो कोफिशेंट एक्स स्क्वेयर का इस साइड पे है वो इक्वल होगा इस साइड पे एक्स स्क्वेयर के कोफिशेंट के। जब हमने कंपेयर किया एक्स स्क्वेयर के लिए तो हमने देखा कि इस साइड पे जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशेंट है वो वन है और इस साइड पे जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशेंट है वो ए है, तो ए की वैल्यू हमारे पास वन आ गई। उसके बाद हमने एक्स के लिए कंपेयर किया, जब हमने एक्स के लिए कंपेयर किया तो इस साइड पे एक्स का कोफिशेंट वन था और इस साइड पे फोर ए प्लस बी था। अब हमने यहां से वैल्यू फाइंड करनी थी बी की, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है वन, वो वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी ए की जगह पे, तो हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई। वो ए बी और सी की जो वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ पे पुट कर दी जहाँ पे हमने फ्रैक्शंस को सपोज किया था,